How would you react if you found out that I have a boyfriend? पिछली वीडियो जो प्रैंक वाली थी उसके बाद सब लोगों ने कहा कि अपने बाबा के साथ कोई वीडियो ज़रूर बनाओ, तो आई एम मेकिंग अ वीडियो विद बाबा। वो बहुत हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी फेवरेट चीज़ उनके सामने है सीख कबाब। रेजिस्ट नहीं हो रहा, सीख कबाब के बचपन से फ़ैन है और हमें भी बचपन से खिला खिला के फ़ैन किया है। तो हम सब क्या, हम दोनों के आगे टेंट इन सीख कबाब है, लोग गोलगप्पा चैलेंज करते थे, हमने इसको कस्टमाइज़ किया है, हम सीख कबाब चैलेंज कर रहे हैं। YouTube पे जाएगी, मैं पहले भी दो तीन दफा आ चुका हूँ। छोटा सा बच्चा वो मूवी बनाता वो फेंकता YouTube। हाँ मैं, मुझे लोग कहते हैं आप पहले भी आए हैं। हम एक दरख्त के नीचे से शुरू हुए थे आज से 45 साल पहले, अब माशाल्लाह हम अपना कारोबार कर रहे हैं, अच्छा रोजी कमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें बड़ा निभाला हुआ। आप देख ही लें, लोग आते हैं, हम बहुत अखलाक से पेश आते हैं उनसे, यही हमारा रोजी का जरिया है, अखलाक पे पेश आना और अखलाक से सबसे मिलना। हर आदमी को दो को आप प्लीज टेस्ट करवाते हैं। हमने कस्टमर को रखा ही फैमिली मेम्बर की तरह, बहुत कमाल से ऐसे प्यार करते हैं कि जैसे वो हमारे घर में आए हुए हैं। मैं तोफैर रोड माल रोड नज़दीक हैस्कूल पम्प। कबाब जो है ना उसकी जो उम्र होती है वो 1 से 1.5 मिनट होती है, उसके बाद वो फौत हो जाता है। तो जो कुछ आप गरम गरम सीख कबाब 2 दर्जन खा लें, कुछ भी नहीं होगा, महसूस ही नहीं होगा आपने 2 दर्जन खा लिया। अच्छा तो हम स्टार्ट करने लगे, जो पहले अपने 10 सीख कबाब खत्म करेगा वो जीतेगा। मुझे चबाया नहीं जा रहा बाबा। मत कर इतना तेज। मैं तो इससे पहले अपनी जवानी के दौर में 2 दर्जन सीख कबाब भी खा चुका हूँ, इसी तरह रुके सीख से उतरवा के सीख पे ही पकड़ के कमाल टेस्ट। एक दफा यहाँ आके खाइए, फिर देखें कैसे हर 2 हफ्ते में एक दफा आपका दिल करेगा फिर चलते हैं। हमारा फेवरेट है ये, इससे ज्यादा आला दर्जे का कबाब लाहौर में बीफ का सीख कबाब नहीं मिलेगा। नहीं मेरे तो खत्म होने वाले हैं। हाय मेरे अल्लाह, उन्होंने 5 कबाब नहीं लिए, मैं अपने दूसरे पे हूँ। बेटे मैं आपके भी खत्म कर लूंगा। लाने का कोई मसला नहीं, फिर भी खत्म हो जाएंगे। बाबा मेरी मोटिवेशन जा रही है आगे कम देख के। जैनब को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे से मुकाबला सीख कबाब में होगा, मुझे लगा था 1-2 का डिफरेंस होगा, और ये इस तरह बहुत अरसे के बाद मैं इस तरह से खा रहा हूँ। मैं नहीं खाना, मुझे तकरीबन मेरी प्लेट खत्म होने वाली है। मैंने बहुत बुरी तरह से हारी है, जैसे पाकिस्तान किसी जमाने में इंडिया को ऐसे ही हटा रहा था गोलों से, हटाता था हराता था हॉकी मैच में। नहीं नहीं खा सकती। और ये ज़ैनब ने हार मान ली है वक्त से पहले ही। आप कमेंट्री कर रहे हैं साथ साथ, ये सोडा पी रहे हैं, इसका मज़ा ही सोडे के साथ है। बेस्ट सोडा एवर, लाइक यू गाइस शुड कम हियर इट। मैं तेज बोल नहीं सकती, मुझे खाना है। हाँ मैं उनकी बेटियों को मुझे इतना प्यार होना चाहिए। जब भी आप लोग यहाँ आए, वहाँ काउंटर पे साहब बैठे होते हैं बहुत नफीस आदमी है, उनको बताएं कि हम ये ज़ैनब का व्लॉग देखकर आए हैं खाने के लिए, हमें पता चला है, तो उनको बड़ी खुशी होगी। डिफेंस में मॉल ऑफ डिफेंस नहीं सॉरी फोर्ट्रेस कैंट मॉल ऑफ लाहौर के पीछे, ये सामने कोर कमांडर हाउस है, इसके ऑपोजिट इधर उसका हैस्कॉल का पंप है, उसके साथ बड़ा ज़बरदस्त फैमिली इन्वायरमेंट है। ले जी 8 कबाब मैंने बल्कि 9 खा लिए, क्योंकि एक ज़ैनब ने मेरे पास आ रहा था। और जब यहाँ लोहर वाले लोग हैं वो यहाँ आए हैं, और जब आए तो कमेंट करें नीचे कि हम लोग गए थे ये देखने के बाद। बीफ कबाब है, आपको बड़ा ज़बरदस्त VIP प्रोटोकॉल मिलेगा। हम लोग बीफ कबाब खा रहे हैं लेकिन यहाँ सारे ही होते हैं ना। हाँ यहाँ चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब, बीफ टिक्का, मलाई बोटी वगैरह सब चीज़ें होती है, लेकिन ये इनकी स्पेशलिटी है। और इनका पराठा भी बहुत बेस्ट है, इसको पराठा कहते हैं लेकिन इट्स लाइक हलवा। अब मैंने क्योंकि
تقریباً اس وقت 11.5 کباب کھا لیے اور میں 5 میں اب میں تھوڑا سا پراٹھے سے کھانے لگا ہوں. زینب بہت بری طرح ہار گئی ہے. یہ دیکھیں اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. یہ بچے یہاں پہ یہ کیا بولتے ہیں ان کو, ٹورنیڈو فرائز. ٹورنیڈو فرائز بھی بڑے مزے کے ملتے ہیں. اور یہ تو ہم نے روکھے زینب نے کھلا دیے اتنے, ورنہ پراٹھے سے کھانے کا اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. اب میں پراٹھے کے ساتھ شروع ہو گیا ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ 11.5 کباب کھانے میرے تو پیٹ زینب بہت بری طرح ہار گئی ہے مقابلہ. میں نے پہلے میکڈونلڈس کھایا تھا اس سے میرا پیٹ آدھا بھرا ہوا. ان سیخ کباب کی میں آپ کو سب سے بڑی کمال چیز بتاتا ہوں, کھانے کے بعد چاہے آپ نے 20 سیخ کباب کھا لیے ہوں, آپ کو رات کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کے نہ گلے میں کوئی چربی فیل ہوگی, نہ آپ کو ہیوینس فیل ہوگی. یہ بالکل ایسے لگے گا جیسے روٹین کا کھانا کھایا ہے. بابا اپنا فوڈ چینل کھولنے میں بتا رہے, میں آپ کو بنا دوں فوڈ چینل, آپ فوڈ ریویوز دیجیے گا. یہ دیکھ لیجیے, سبسکرائب کیجیے گا. جا کے زینب کی پلیٹ ختم کرنے لگا ہوں. یہ لیں, میں گیو اپ کرتی ہوں. بابا آفیشلی جیت گئے ہیں. یہ میں نے بتایا تھا زینب کو کہ میرے سے اس معاملے میں مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ دیکھیے یہ اور گرم گرم آ گئے ہمارے لیے. یہ والا چیک کریں, فریش. بس مزہ آ گیا جی, زبردست. جزاک اللہ. ایک ان کو کہیے سوڈا اور بھجوا دیں. یہ ہم نے یہ ٹھنڈے کباب چھوڑ دیا اور یہ ہم گرم پہ شروع ہو گئے. اور یہ دیکھیں کوئی فکر نہیں ہے کہ جتنے کباب کھا لیں کوئی طبیعت ہیوی ہوگی یا کچھ ہوگا. تو یہ ایک دفعہ آئیں ٹیسٹ کریں اور پھر ضرور بتائیے گا کہ ہم گئے اور یہاں جو صاف کرتے ہیں. پیٹ پروموشن کر رہے ہیں. پیٹ پروموشن کر رہا ہوں, سچی بات ہے. یہ تو جو آئے گا اس کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا. اوکے, تو سارے لوگ مجھے بول رہے تھے پچھلے والے بلاگ کے بارے میں جو پرینک تھا آپ پہ کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور لائک مجھے کافی برا بھلا کہہ رہے تھے کہ ماں باپ کے ساتھ ایسے نہیں کرتے. اب آپ ان کو پہلے یہ بتائیں کہ ہماری بہت دوستی ہے نارمل. ہاں بالکل, سب یہ بات سب کی صحیح ہے کہ ایسا نہیں کرتے, لیکن زینب کو پتا تھا میرے ساتھ کس طرح کا ریلیشن ہے, اس لیے اس کی ہمت ہو گئی کہ یہ کر لیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہماری دوست. باقی پھر اس نے مجھے بہت زیادہ آ کے سوری کیا, تو وہ میں پھر 1.5 گھنٹے میں ٹھیک ہو گیا. میں نے سمجھایا تھا کہ بیٹا نیکسٹ ٹائم معاف کر دیا تھا انہوں نے, بتا دیں کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے. تو میں نے زینب میری طرف سے آلویز معاف ہی معاف ہے, لیکن اب آپ کو پتہ ہے ساری توجہ کبابوں پہ ہے. اچھا دوسری چیز, یہ 15واں کباب میں نے شروع کر دیا. اچھا میں آپ سے کچھ کوئسچنس پوچھتی ہوں, آپ کھاتے رہیں ساتھ ساتھ کھاتے رہے بھی مت دیکھیں. میں نے انسٹاگرام پہ ڈالا تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیو این اے کر رہی ہوں, ماما نہیں ہے تو بابا سے پوچھ لیتی ہوں والے سوال جو آپ لوگوں نے کہے تھے کہ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں. آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی بھی وے میں ماما سے ملتی ہوں؟ پرسنالٹی, شکل, حرکتیں, باتیں, کوئی چیز میری ماما سے ملتی ہے؟ 50% ملتی ہے. کیا چیز, کوئی ایک اسپیسیفک چیز بتائیں. شکل, اسٹائل, سارا کچھ. اچھا ملتا ہے؟ ہاں وہ ملتا ہے, لیکن ہائپرنیس میں ماما اتنی ہائپر نہیں ہے, اتنی زیادہ ہائپر ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ پہ زیادہ گئی ہوں ماما پہ؟ ماما پہ نہیں, ماما پہ اور طرح پہ گئی ہے, ایموشنل پوائنٹ آف ویو سے میرے پہ گئی ہے بالکل. اچھا, بلکہ بہت سی چیزوں میں تو آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں میری کاپی ہے. ہاں میں بھی مانتی ہوں اس بات کو. اچھا, کن کن چیزوں میں کاپی ہے وہ بڑا مشکل ہے ایکسپلین کرنا. نہ کیجیے, ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. کسی نے پوچھا آپ کیا چاہتے تھے کہ میں کون سا پروفیشن پرسو کروں؟ بھائی میری تو سب سے پہلی خواہش یہ تھی کہ میری تینوں بچیاں جو ہیں وہ ڈاکٹر بنے. وہ کہانی ڈاکٹر بننے کی خواہش تھی کہ یہ تینوں ڈاکٹر بنے, لیکن سائنس سے ان کو شروع سے دلچسپی نہیں تھی, تو فورس تو کر نہیں سکتے تھے ہم. بچوں نے خود ہی اپنا سبجیکٹ چوز کرنے, اپنا کیریئر چوز کرنا ہے, تو وہ جو بھی کر رہی ہے اچھا کرے, ایمانداری سے کرے, وہ بہت کافی ہے. اچھا, تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں وہ لیول میں سائنسز نہیں پڑھی؟ نہیں, اس کا لائک زیادہ تر پیرنٹس کو ہوتا ہے نا, زبردستی بچوں کو کراتے ہیں. بچوں کو فورس کبھی نہیں کرنا چاہیے. کوئی آدمی فورس کر کے نا کوئی چیز پڑھنے کا حق نہیں ادا کر سکتا, ایسے نہیں. بچوں کو اگر آپ بچوں کو فورس کریں گے, اس طرح کی چیزیں کریں گے, پھر بچے آپ کے ان کے درمیان کبھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں. سر کسی نے پوچھا ہے کہ آر یو اڈاپٹیڈ؟ وائے, یہ کس طرح کا کوسچن ہے بھائی؟ میں اڈاپٹیڈ ہوں. کیوں یہ سوال کیوں پیدا ہوا ہے؟ پتا نہیں, شاید لوگوں کے سگے بچے ان کے ساتھ پرینکس نہیں کرتے ہوں گے. اس سینس میں کسی نے پوچھا اف یو ایکچولی گاٹ اے ٹیٹو واٹ ڈو یو تھنک یور پیرنٹس ول ڈو؟ نہیں مجھے مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس پرینک کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ زینب ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کرے گی. کیوں, پہلے آپ کو لگتا تھا میں کر لوں گی؟ نہیں نہیں, وہ نہیں مطلب اس یعنی ایک چیز ہو گئی نا, اس سے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جتنا میں وہ ہوا تھا کہ جب زینب, مطلب کہ اگر آپ نہ ہوئے ہوتے تو میں کر لیتی. نہیں زینب نہیں, زینب کو پتا اپنی لمیٹیشنس.
किसी ने पूछा है हाउ क्वालिफाइड आर योर पेरेंट्स? इनके पेरेंट्स जो हैं उनमें से इनकी मदर तो बहुत माशाल्लाह क्वालिफाइड है, क्योंकि जितने काम और जो जो चीज़ें उनको आती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। मैंने डबल मैथ स्टेटिस्टिक्स के साथ BSc किया है और उसके बाद मैंने कंप्यूटर सर्टिफिकेशंस की, फिर अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन किया और अब आप समझ लें कि मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस के साथ काम कर रहा हूँ और बच्चों को मेरा जो पैशन है वो बच्चों को मैथ सिखाना है, ये सबसे बड़ी है। इनका बस नहीं चलता कि बच्चों से लेकर उनके माँ बाप सब, क्योंकि असल में बात यह है कि पेरेंट्स या बच्चे ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि उनके बच्चों के करियर में मैथमेटिक्स क्या रोल प्ले करता है, उनके सोचने का तरीका, ये सारी चीज़ें जो आपका थॉट प्रोसेस है। मगर मैं फिर भी लेवल पे मैथ ड्रॉप कर रही हूं। ये आपको मैथ पावा सारी कोशिश और ख्वाहिश, जैसे ख्वाहिश थी ना कि बच्चे डॉक्टर बने, जब वो नहीं हुआ तो उसके बाद ख्वाहिश थी कि ज़ैनब कम से कम हायर लेवल तक मैथ्स पढ़े, तो वो भी दम तोड़ गई। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा खैर, लेकिन फिर भी ज़ैनब के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इनकी मदर ने भी मेरे साथ काफ़ी समझ लें, हम लोगों ने एक लेवल पे नर्स में माइक्रोसॉफ्ट के साथ ट्रेनिंग्स वगैरह भी कंडक्ट की हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। तो मतलब ये कंप्यूटर बड़ा लंबा सफ़र है, IT लाइन है हमारी मेन और मैथ्स हमारा मेरा पैशन है। समवन आस्क्ड डिड यू एवर वांट अ सन, क्योंकि तीन बेटियां हैं ना, तो लाइक कभी दिल किया कि बेटा होना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो सबसे पहले बीइंग अ मुस्लिम हमें ये सोचना चाहिए कि जो देता है अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के अगर इंसान इस तरह की कोई चीज़ नहीं, जो हमारा हमारी सोसाइटी में जो आप लोगों ने चीज़ देख रखी है। नहीं, लेकिन मुझे आपका पर्सनली कभी दिल किया? नहीं, मेरा कभी दिल नहीं किया। मैंने कभी भी ये ख्वाहिश नहीं की, हमेशा ये दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे बेटी दे, दूसरी हुई, तीसरी हुई, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपने क्या स्पेसिफिकली दुआ की थी? बिल्कुल स्पेसिफिकली दुआ की थी, मैंने बेटा ना होने की भी दुआ की थी और इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिनके बेटे हैं या जो बच्चे हैं वो कोई देख के बात बुरा ना माने, आज के दौर में जितना मुश्किल काम बेटों को पालना है वो आप सोच नहीं सकते। आपको नहीं पता लड़कियां भी बड़ी चीज़ नहीं है, लड़कियां फिर भी पेरेंट्स के टफ टाइम में बड़ा वो उनका। अच्छा ठीक है, मतलब आपको बेटा नहीं चाहिए? नहीं, कोई कतन कोई ख्वाहिश नहीं है। बल्कि पर्सनली मेरा अभी तक दिल करता है कि मेरी एक और छोटी बहन हो, लेकिन मुझे भाई नहीं चाहिए, बहन ही चाहिए। इवन दो आई स्टिल हैव टू सिस्टर्स, मगर मुझे बहन चाहिए, मुझे बस बहन चाहिए, मुझे भाई नहीं अच्छा लगता। अरे, मेरी एक फ्रेंड ने पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक, डज ज़ैनब हैव अ बॉयफ्रेंड? ज़ैनब अपनी सारी बातें अपनी मदर से ख़ास तौर से और मुझसे शेयर करती है, इतना फ्रेंडली हमारा एनवायरनमेंट है कि इसकी हमें कभी फिक्र नहीं है कि ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा। ज़ैनब इस तरह की है ही नहीं, बड़ी मासूम लगती है, तो वो हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है इस बात की। अच्छा, ज़ैनब को अपनी लिमिटेशंस पता हैं बड़ी क्लियरली। अच्छा, मेरी फ्रेंड ने फिर से पूछा है कि ड्यूरिंग द टैटू प्रैंक व्हेन ज़ैनब सेड कि मुझसे बहुत बड़ा गुना हो गया, तो आप क्या सोच रहे थे, कौन सा गुना हुआ है? हाँ, जब ये बात हुई कि ये ऐसा क्या गुना कर दिया है, तो उसमें मेरे जहन में जो पहली बात स्ट्राइक हुई कि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आप कहीं दोस्तों में कोई ऐसी कंपनी या कहीं ऐसा मौका आ जाता है कि कोई कहता है, ज़बरदस्ती चका देता है कि ज़रा ये हम ड्रिंक कर रहे हैं, ज़रा ये थोड़ा सा पी के देख लो, ये थोड़ा सा डाउट हुआ था। लेकिन बस थैंक यू सो मच, बिल करवा दें। इतना शॉर्ट टाइम था वो कि उसके बाद सामने टैटू वाली चीज़ आ गई थी कि क्या ऐसा वो होगा, मतलब मैं घबरा गया था काफ़ी कि पता नहीं क्या बताने, क्या कहने वाली है या ऐसी क्या चीज़ हो गई है कि इससे के डॉक्टर के पास भाग लिया। अच्छा, आपको लगता है कि एट एनी पॉइंट आप मुझे मारते हैं? नहीं, मैं इस तरह एक मामा मार सकती थी, आपको लगता है आप मारते हैं? नेवर, कभी भी नहीं। अच्छा, मैं कहाँ मारती होती हूँ? नहीं, आप नहीं मारती, लेकिन मदर को थोड़ा तो कर सकते, बच्चियों के साथ माँ को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इन व्हाट वे डू यू थिंक दैट ज़ैनब कैन हैव एन इफेक्ट इन द सोसाइटी थ्रू YouTube? ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर इसे अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया जाए, लोगों को अच्छा मैसेज दिया जाए, और बहुत से ऐसे सोशल इशूज़ हैं जिनके ऊपर अगर आप बाज़ दफ़ा कोई ऐसी बात कर देते हैं जो किसी के दिल में बैठ जाती है और उसे कोई बात समझ आ जाती है, तो एक अच्छी बात पहुंचाना बहुत बड़ा सदका है। अच्छा, आपको कोई मसला है यूट्यूब करने से? नहीं, कोई यूट्यूब करने से कोई मसला नहीं है, लिमिट्स में रहते हुए आप कोई भी काम करें तो वो अच्छा है। इज ज़ैनब अनोइंग? किसी हद तक, लेकिन ऐसी अनोइंग नहीं, ऐसा अनोय नहीं करती कि जो तकलीफ दे। अच्छा, आप तो कहते हुए दिल करते मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ और रोना शुरू हो जाऊँ? नहीं, कभी कभी बच्चे लिहाज नहीं करते, उनको नहीं अंदाज़ा होता कि पेरेंट्स जो हैं वो क्या उस बात से करेंगे, फिर भी कोई बात नहीं, वो सब कुछ होता रहता है। बहुत फ़र्क है हमारे ज़माने में हमारे पेरेंट्स के रिलेशनशिप में और आज के बच्चों के और पेरेंट्स के रिलेशन, तो अंडरस्टैंड करना चाहिए, टाइम बहुत चेंज हो गया है। फेवरेट चाइल्ड? बाबा, ऐसा होता है, हर किसी का एक फेवरेट चाइल्ड होता है, आप माने या ना माने। सच सच बता दें, सच बताऊँगा,
हमने देखा देखा मैं सू कर रही हूँ मेरे पेरेंट्स नहीं है। व्हाट डू यू वांट मी टू डू इन द फ्यूचर? बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं वैसे इंस्पायर करने के लिए नहीं कह रहा, आप अच्छे इंसान बन जाएं जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, बहुत बड़ी बात है। आप कैरियर वाइज बताएं। कैरियर नहीं अभी बड़ा नेशनल बोल सकता मेरा गला चोक हुआ है। मैं पहले ही चाहिए बाबा जो सेंटेंस बोलेंगे उसमें 40 दफा खांसेंगे तो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, इनका गला ये भी पी रहा हूँ ठंडी ऊपर से सोडा ठंडा पी लिया तो उसने और मेरा अच्छा बताया सामने कैमरा कैमरा भी जंप हो रहा है क्योंकि मामा की गोद में और वो भी हंस रही है। अब हंसते नहीं। व्हाट डू यू वांट मी टू डू इन द फ्यूचर? आपका पैशन होता है आप वो करने लगे, कोई ऐसी चीज करनी चाहिए जो आपको फ्यूचर में खुदा ना करे कभी भी कोई टफ टाइम आ सकता है तो आपने ऐसी पढ़ाई की और ऐसा करियर अडॉप्ट किया जो आपको संभाल सके। ये मेरे हिसाब से मेरी समझ के मुताबिक लड़कियों को ख़ास तौर पे ज़िंदगी में ऐसा टाइम आ जाता है, कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, उस वक्त उनको अपने बच्चों को संभालने के लिए उनकी काबिलियत उनके सिर्फ काम आती है और कोई चीज़ काम कोई मुड़ के नहीं देखता, कोई हेल्प नहीं करता। इसलिए बच्चियों को पढ़ाएं, उन्हें इस काबिल करें, कल को उनको मुश्किल पेश आए तो वो उससे हैंडल कर सकें। हाउ वुड यू रिएक्ट इफ़ यू फाउंड आउट दैट आई हैव अ बॉयफ्रेंड? सेम बताएं। एनीथिंग कैन हैपन। क्या हम घर से निकाल देंगे? नहीं सेंस नहीं क्या शादी करो अभी कुछ भी हो सकता है, आदमी देखता है कौन है क्या है किस तरह मतलब आप देखेंगे ऑब्वियसली इस तरह अभी नहीं है कि दफो मेरी नजरों से इस तरह की अप्रोच ही नहीं है। मिलेंगे उसको मिलेंगे देखेंगे नहीं आप ना बोले ना ये बोले सब कुछ इसका तरीका ये होगा कि इनकी जो मदर है वो डिसाइड करेंगी पहले देखेंगी बात आप तक पहुंचती है ना किसी तरीके से ये बात बाप तक तब पहुंचती है जब माँ सारा कुछ कार्रवाई कर चुकी होती है। नहीं क्या होता आपको अकेले पता चल जाए फिर आप शौक में हो? नहीं मैं ऐसी शौक में नहीं हूँ। अच्छा ठीक है वैसे ऐसा होगा नहीं टैटू से बड़ा शौक नहीं हो ये उससे बड़ा शौक नहीं है नहीं। पहले भी तो मैं ये प्रैंक नहीं ये चीज़ मैं यही करूँगी नहीं ये शॉकिंग इतना नहीं है टैटू तो ठीक है बस इतने ही सवाल है। टैटू जो है ना वो अच्छा मैं बोलना है टैटू जो है ना वो तो आपने एक किया ये वाली जो चीज़ है ना ये हो सकती है कैसे हो गई क्या हुआ ये आपको नहीं पता चलता। अच्छा। वो आप दानिस्ता स्टेप करते हैं कि जाके आपने ये काम किया नहीं तो क्या मतलब है कोई किसी का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो वो अपनी मर्जी से होता नहीं है? बच्चे पढ़ रहे हैं किसी स्कूल में यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ रहे हैं कोई लाइकिंग हो गई कुछ हो सकती है वो कौन सी बड़ा कितने मॉडर्न है नहीं मॉडर्न की बात नहीं है रियलिटी नहीं अच्छे मतलब है ये रियलिटी है रियलिटी को फेस करना चाहिए। गुड अच्छा बस यही सवाल थे। बाबा बड़े खुश हैं कि उनकी जो प्रैंक वाली वीडियोस पे 2 लाख व्यूज़ आए हर किसी को बता रहे होते हैं कि मेरी वाली जो वीडियो है ना सैनब के चैनल पे उस पर इतने व्यूज़ हैं तो बड़े खुश हैं ये फेमस होकर तो बस अल्लाह हाफिज़ कहें सबको अल्लाह हाफिज़ टेक केयर। बाबा जीत गए आज का चैलेंज और मैंने जीत ही जाना था पता नहीं जैनब ने क्या सोच के मुझे चैलेंज दिया था करने का। बस इतनी सी वीडियो थी और सबको कहें सब्सक्राइब करें हाँ जैनब का चैनल सब्सक्राइब करें और जितनी जैनब की अच्छी बातें उनसे इंस्पायर हों और जो बात अच्छी ना हो उसे इग्नोर करें। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।